स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक चार में। देखिए क्या दिया हुआ है, तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। तो तीन सिक्कों को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस सबसे पहले हम लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तीन सिक्कों को उछालने पर, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे करते हैं, तीन एरो लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम तीन सिक्के को उछाला जा रहे हैं तो सिक्का का फेस कितना होता है, मुख दो होते हैं और तीन बार उछाला जाएगा, इसका मतलब दो का पावर तीन क्या हो जाएगा, ये आठ। तो टोटल इसमें आठ अवयव आएगा, ठीक है। तो मैं एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, सपोज ये होगा, ठीक है। क्या करता हूं, सबसे पहले लास्ट वाले में अल्टरनेट लिखता हूं हेड और टेल को। तो हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये आठ बार हो गया। फिर क्या करता हूं, इसके पहले लाइन में जो पहले बार लिखा रहता हूं जैसे कि हेड, उसको मैं डबल करके लिखता हूं। तो हेड को डबल कर दूंगा तो एच और एच, फिर उसी प्रकार टेल को तो टी और टी, फिर एच और एच, फिर टी और टी। अब क्या करता हूं, इसके पहले लाइन में दो बार लिखा था, अब चार बार लिखूंगा, दो का डबल चार हो जाएगा, तो चार बार हेड लिखूंगा एक दो तीन चार, और फिर चार बार टेल एक दो तीन चार। तो इस प्रकार से ये सैंपल स्पेस आएगा तीन बार सिक्का उछालने पर, ठीक है, या तीन सिक्का उछालने पर। क्या बोला गया, तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना, हमें घटना दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया, तीन चित्र दिखना को ए से, तो ए से हमें तीन चित्र दिखना, चित्र यानी कि क्या हो जाएगा, हेड, तो तीन हेड यानी कि एच एच एच, ये घटना ए को दिया गया। अब और क्या दिया, दो चित्र और एक पट दिखना बी होगा। देखिए दो चित्र और एक पट, तो एक पट यानी कि एक टेल होना चाहिए, बाकी चित्र होना चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, देखिए इसमें से ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसमें खाली एक पट है और दो चित्र, तो दो चित्र एक पट इसमें है, ठीक है, दो चित्र एक पट और फिर दो चित्र एक पट, फिर बाकी किसी में नहीं है, ठीक है, दो चित्र खाली ये तीन में है। तो क्या हो जाएगा, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच एच, ये तीन अवयव आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए घटना सी के बारे में क्या बोला गया है, कि तीन पट दिखना को सी से, तो सी से तीन पट यानी कि टेल, तो एक ही होगा, ये हो गया सी। आगे क्या दिया, और घटना पहले सिक्के पर चित्र दिखना को डी से निरूपित किया गया। क्या बोला गया, पहले सिक्के पर चित्र दिखना, तो पहले सिक्के पर चित्र किसमें किसमें दिख रहा है, चित्र यानी कि हेड, तो पहले सिक्के पर हेड आना चाहिए, इसमें एच आ रहा है, इसमें पहले में एच आ रहा है, एच आ रहा है, एच आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है पहले में, तो ये चार आ जाएगा डी के अंदर, ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, एच टी टी, तो ये हो जाएगा घटना, ठीक है, जो दिया गया। अब देखिए अब हमें क्या बोला गया है, कि इसे निरूपित निरूपित कीजिए, तो ये निरूपित तो हो गया, ये आंसर तो हो गया। आगे और क्या बोला है, कि बताइए कि इनमें से कौन सी घटना परस्पर अपवर्जी है, ठीक है। तो पहला, हम पहला को हल करते हैं, परस्पर अपवर्जी। तो परस्पर अपवर्जी का केस क्या होता है, कि अगर कोई भी दो समुच्चय को लूं, ठीक है, अगर कोई भी दो समुच्चय को लूं तो उसका इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, यानी कि कोई सा भी अवयव नहीं आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं ए और बी को चेक करता हूं, तो ए सर्वनिष्ठ बी, ये चेक करता हूं, अगर फाइ आ गया तो ये परस्पर अपवर्जी होगा। तो देखिए ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सर्वनिष्ठ, देखिए ट्रिपल एच, इसमें ट्रिपल एच है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये फाइ है, तो ये परस्पर अपवर्जी होगा। अब दूसरा देखते हैं, ए और बी का चेक कर लिया, अब ए और सी का चेक कर लेता हूं। देखिए क्या होगा, ए और सी का जब चेक करूंगा तो कॉमन है क्या, कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये फाइ हो जाएगा। ए और डी का चेक कर लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन डी, देखिए कॉमन है यहां पे, ट्रिपल एच जो है वो कॉमन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि ये नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। अब क्या चेक करूंगा, ए के साथ सबको चेक कर लिया, बी के साथ चेक करूंगा, देखिए ए के लिए तो पूरा चेक कर लिया, अब बी के साथ चेक करता हूं, तो बी के साथ ए को ये नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बी के साथ ए या ए के साथ बी एक ही मतलब है। देखिए जो ए और बी में जो कॉमन होगा नहीं होगा वही तो बी और ए का भी होगा, तो इसको डबल करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बी सर्वनिष्ठ ए ना करके बी सर्वनिष्ठ सी करूंगा,
क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ है, बी और ए का तो हो चुका है, ठीक है। तो बी और सी में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखिए इसमें कोई सा भी कॉमन नहीं, इसमें ट्रिपल टी है, इसमें ट्रिपल टी नहीं है, इसका मतलब ये होगा परस्पर अपवर्जी। अब आगे देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी, ये रिपीट नहीं हुआ है, बी डी या डी भी हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो बी और डी में देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखिए एच एच टी इसमें है क्या, एच एच टी यहां पे है, इसका मतलब कॉमन आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू फाइव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो बी के चेक हो गया, अब सी का चेक कर लेते हैं, तो सी का चेक करते हैं डी के साथ, क्योंकि सी का बी और ए के साथ हो चुका है, देखिए सी का बी और ए के साथ हो चुका है, तो हम सी का डी के साथ बस बच गया, तो सी सर्वनिष्ठ डी, तो सी और डी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए इसमें ट्रिपल टी है, इसमें ट्रिपल टी नहीं है, तो कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा फाइव, तो ये भी परस्पर अपवर्जी होगा। देखिए सी और डी में भी कोई सा भी कॉमन नहीं है, अब कॉमन नहीं है मतलब ये भी परस्पर अपवर्जी होगा, इतना क्लियर है। अब देखिए ये तो दो दो का हो गया, अब तीन का देख लेते हैं, तो ए बी और सी का देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए बी सी देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि इसमें ट्रिपल एच है, इसमें ट्रिपल एच है क्या, नहीं इसमें भी नहीं है, मतलब कोई सा भी ऐसा नहीं है जो कॉमन होता हो, ठीक है, तो कॉमन नहीं है मतलब फाइव ये परस्पर अपवर्जी होगा। ए बी सी का चेक कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, ए सी डी का चेक करेंगे, तो ए सी डी में हम देख सकते हैं कि इसमें ट्रिपल एच है, इसमें भी ट्रिपल एच है, अगर कोई से भी दो में कॉमन आ गया तो तीसरा को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, तो नहीं होता तो मैं इसको नहीं लिखता, लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब एक बार और क्या बच गया, ए बी सी कर चुका हूं, ए सी डी कर चुका हूं, ए बी डी करूंगा, ए बी डी अगर करूंगा तो ट्रिपल एच, इसमें भी ट्रिपल एच, तो ये भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब परस्पर अपवर्जी होगा नहीं, तो चेक करने से कोई मतलब नहीं है। अब चारों का एक बार चेक करूंगा, तो देखिए ये दोनों में ही कॉमन आ जा रहा है, तो बाकी दो को तो चेक करने की जरूरत नहीं, तो ये चारों तो हो गई नहीं परस्पर अपवर्जी, तो देखिए क्या क्या है रिजल्ट, अतः ए और बी और क्या ए और सी, बी और सी, सी और डी तथा ए बी सी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं ये तो पहला का आंसर हो गया, दूसरा और तीसरा, दूसरा क्या बोला गया है कि सरल है, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन सा सरल घटना है। देखिए सरल घटना यानी कि सिंपल इवेंट, और सिंपल इवेंट में क्या होता है, किसी एक अवयव बस होना चाहिए उसके अंदर, तो देखिए ये सब तो सैंपल स्पेस है, ए बी सी डी ये दिया गया है, अब इसमें ऐसा कौन कौन सा जिसमें खाली एक ही अवयव हो, तो देखिए ए और सी ये दोनों में खाली एक एक अवयव है, इसका मतलब एक सरल घटना होगा, एक सिंपल, तो देखिए क्या हो जाएगा ए तथा सी, इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है, मिश्र है, मिश्र यानी कि कंपाउंड, तो मिश्र जिसमें एक से अधिक अवयव आता हो सैंपल स्पेस का, तो देखिए इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, इसमें एक से अधिक तीन है, इसमें भी एक से अधिक चार है, तो बी और डी ऐसा होगा जो मिश्र घटना होगा, तो बी और डी ये होगा मिश्र घटना के अंदर, तो इस प्रकार से बनेगा यहां प्रश्न। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक पांच, देखिए क्या दिया हुआ है, तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो तीन सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये जो हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, ठीक है, टोटल आठ अवयव आएगा। तो आगे देखिए प्रश्न में क्या दिए, वर्णन कीजिए पहला दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है, हमें दो घटनाएं ऐसे बताने हैं जो परस्पर अपवर्जी होगा, परस्पर अपवर्जी यानी कि दोनों का जब हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो रिक्त समुच्चय आना चाहिए, यानी कि दोनों में जब दोनों का हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो कॉमन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई सा भी अव्यय कॉमन नहीं आएगा, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए न्यूनतम दो पट प्राप्त होना चाहिए और न्यूनतम दो चित, तो ऐसा इवेंट घटना आना चाहिए जिसमें न्यूनतम दो पट हो, ठीक है, न्यूनतम दो पट, देखिए किसमें किसमें होगा न्यूनतम दो पट, देखिए इसमें दो पट है न्यूनतम, इसमें दो पट है, तो ये दोनों एक घटना में, और दूसरे घटना में न्यूनतम दो चित, तो दो चित किसमें, इसमें और इसमें, इसमें भी है दो चित, तो ऐसा घटना जिसमें दो चित आए न्यूनतम, तो ये दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे सर्वनिष्ठ करेंगे तब वो रिक्त समुच्चय देगा, ठीक है, तो ये
दो इवेंट को, दो घटना को बताया गया है, जिसमें पहला है न्यूनतम दो पट और दूसरा न्यूनतम दो चित। ये दोनों को जब हम इंटरसेक्शन करेंगे सर्वनिष्ठ, तो क्या कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय होगा। देखिए अब दूसरा क्या दिया, तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष है। तो ऐसा तीन घटनाएं बताना है हमें जो परस्पर अपवर्जी और निशेष। तो परस्पर अपवर्जी मतलब क्या होता है, मैं इसमें बता चुका हूं कि उसका जब हम इंटरसेक्शन करें सर्वनिष्ठ तो फाई आना चाहिए, और निशेष है ये भी बोला गया, यानी कि जब यूनियन करे तो क्या आना चाहिए, सेम्पर स्पेस के बराबर आना चाहिए। तो देखिए कोई पट नहीं, एक हो गया, ये ऐसा घटना जिसमें कोई पट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई पट नहीं मतलब कि कोई टेल नहीं, तो कोई टेल नहीं किसमें होगा, खाली ये ट्रिपल एच में, ठीक है। तो एक घटना इसमें हो जाएगा ट्रिपल एच वाला। दूसरा क्या होगा, तथ्यत एक पट, तो ऐसा जिसमें तथ्यत मतलब होता क्या है, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली एक पट होना चाहिए, तो एक ही पट होना चाहिए। तो एक पट किसमें, देखिए एक तो इसमें है, इसमें है, ठीक है। तो ये दो और ये तीन, ठीक है। तो ये तीन अवयव जिस घटना में आएगा वो हो जाएगा दूसरा घटना। तीसरा क्या दिया है, और न्यूनतम दो पट, न्यूनतम यानी कि कम से कम दो पट तो होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम बोला गया। तो न्यूनतम मतलब कि दो पट होना ही चाहिए, तो ये हो जाएगा तीसरा। अब ये तीनों का जब हम परस्पर परस्पर अपवर्जी होगा और निशेष होगा, ठीक है, तो दोनों केस को सैटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं तीसरा, देखिए तीसरा क्या दिया होगा, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। अब दो घटना हमें ऐसे बताना है जो परस्पर अपवर्जी, यानी कि दोनों को जब हम कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे सर्वनिष्ठ, तो फाई नहीं आना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन तो आना ही चाहिए। तो देखिए क्या होगा, पहला अधिकतम दो चित्त, तो अधिकतम दो चित्त इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा दो चित्त होना चाहिए, तो दो चित्त यानी कि तीन चित्त वाला नहीं आ सकता, ठीक है, ये होगा। एक चित्त होगा फिर भी चलेगा, क्योंकि अधिकतम बोले तो ज्यादा से ज्यादा दो चित्त होना चाहिए। तो ऐसा एक चित्त होगा फिर भी चलेगा, तो ये सब एलिमेंट्स अवयव इस घटना के अंदर आएगा, ठीक है, अधिकतम दो चित्त के अंदर, और दो चित्त तथ्यत यानी कि एग्जैक्टली दो चित्त। तो एग्जैक्टली दो चित्त किसमें होगा, ये होगा पहला, दूसरा इसमें भी होगा एग्जैक्टली बोला गया, तो ठीक है। तो ये दोनों जिस घटना में आएगा वो हो जाएगा ये घटना। तो ये दोनों को जब हम परस्पर अपवर्जी में चेक करेंगे तो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, तो इस केस को सैटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं चौथा क्या दिए, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निशेष नहीं है। अब दो घटना में ऐसे बताना है जो परस्पर अपवर्जी है, यानी कि दोनों में जब हम कॉमन निकालेंगे सर्वनिष्ठ करेंगे तो फाई आएगा, इसका मतलब कोई सा भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बोला, लेकिन निशेष नहीं है, निशेष यानी कि अगर दोनों का हम यूनियन करेंगे सम्मिलन तो एस सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा होगा, तथ्यत एक पट, तथ्यत दो पट, तो एग्जैक्टली एक पट होना चाहिए जिसमें, और एग्जैक्टली दो पट, ठीक है। तो देखिए ऐसा एग्जांपल अगर देखिए एग्जैक्टली एक पट का, तो एग्जैक्टली एक पट इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें, सॉरी इसमें नहीं है, ये, ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली एक पट है, एग्जैक्टली दो पट, तो एग्जैक्टली दो पट इसमें है, इसमें है, इसमें, ठीक है। तो ये तीन अवयव इसमें आ जाएगा इस घटना में। अब देखिए पांचवा क्या दिया है, तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निशेष नहीं है। अब तीन घटना बताना है, ऐसा तीन घटना जो परस्पर अपवर्जी है, यानी कि तीनों का जब कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वो परस्पर अपवर्जी है लेकिन निशेष नहीं है, यानी कि जब उसका हम सम्मिलन करेंगे यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन कौन सा हो जाएगा, तथ्यत एक चित्त यानी कि एग्जैक्टली एक चित्त होना चाहिए, तो एग्जैक्टली एक चित्त देखिए किसमें किसमें आ रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें और इसमें, ठीक है, ये तीन अवयव। और तथ्यत दो चित्त, एग्जैक्टली दो चित्त होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली दो चित्त किसमें आ रहा है, एक तो इसमें हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ये, और बस इतना ही अवयव है जो इस घटना के अंदर आएगा। और तीसरा क्या होगा, तथ्यत यानी कि एग्जैक्टली तीन चित्त, तो तीन चित्त खाली एक ही में होता है, ये ट्रिपल एच, तो ट्रिपल एच एक घटना हो जाएगा। तो ये तीनों का जब घटना का हम
तो ये तीनों का घटना परस्पर अपवर्जी होगा परंतु निशेष नहीं होगा। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न क्रमांक 5। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, दो पासे फेंके जाते हैं, तो दो पासा फेंका जाएगा तो इसका सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा। सैंपल स्पेस 1 में पहले पासे का 1 से 6 तक और सैंपल स्पेस 2 में दूसरे पासे का 1 से 6 तक का गिनती। क्या बोला गया है, घटनाएं ए बी और सी निम्नलिखित प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले दो पासा फेंका गया यानी कि सैंपल स्पेस 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार दूसरा पासा तो सैंपल स्पेस 2, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या बोला गया, घटना ए बी सी बताए गए, तो हम सबसे पहले घटना ए को देखते हैं। क्या दिया, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना है, तो पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना है, तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, पहले पासे पर सम संख्या तो 2 4 और 6, ये वाला तो आएगा, लेकिन दो पासा फेंका गया है तो जब सम संख्या 2 आएगा पहले पासे में तो इसका सभी के लिए आएगा, तो 1 से लेकर 6 तक जाएगा, तो 2 1 2 2 2 और 3, समझ में आ रहा है ना। अगर पहले पासे में 2 आएगा तो बाकी पासे का 1 2 3 4 5 6 ये सभी को लेना पड़ेगा, तो पहले पासे का 2 तो फिक्स है क्योंकि सम संख्या पहले पासे का, फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 2 के लिए। उसी प्रकार फिर 4 और 6 के लिए भी लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 4 के साथ 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 4 के साथ। अब उसी प्रकार हमें 6 के साथ भी देखना है, तो 6 के साथ 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा समुच्चय ए, घटना ए। अब घटना बी को देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना है, पहले पासे पर विषम संख्या, अब जिस प्रकार सम संख्या के लिए किए थे उसी प्रकार विषम संख्या के लिए 1 3 और 5 के लिए कर देना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 के साथ 1, जब इसका 1 आएगा मतलब इसका 1 फिक्स करना है और बाकी 6 को लिखना है, तो 1 के साथ 1 1 के साथ 2 3 4 5 और 6, ये 1 का हो गया। फिर उसी प्रकार 3 के लिए होगा क्योंकि 3 भी तो विषम है, 3 के साथ 1 3 के साथ 2 3 4 5 6, उसी प्रकार 3 का हो गया। अब 5 का, तो 5 का 1 फिर 2 3 4 5 और 6, तो ये सभी अवयव हो जाएगा बी के लिए। अब देखते हैं घटना सी, तो देखिए घटना सी क्या दिया हुआ है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से बराबर या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे अवयव आ जाएंगे। अब ऐसा युग्म लिखना है जिसका सम यानी कि योग 5 के बराबर हो या 5 से ज्यादा हो चलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, 1 के साथ न्यूनतम तो 5 है ना, 5 से ज्यादा भी पर 5 के बराबर भी, तो किसका योग करूंगा 1 के साथ कि 5 आ जाएगा, तो 1 और 4 का, तो 1 और 4 का योग हो जाएगा 5, और फिर क्या होगा 1 और 5 का योग ये क्या होगा 6 होगा, 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा के लिए भी तो बोला गया, तो 1 और 5 भी आ जाएगा, 1 और 6 भी हो जाएगा। फिर 1 का हो गया, फिर 2 का, तो 2 का 3 के साथ 5 हो जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा 2 का, ये जाएगा 6 तक, ठीक है। मैं सबको डॉट डॉट लिख देता हूं, इसके बीच क्या आ जाएगा 2 का 3, फिर 2 का 4, 2 का 5, फिर 2 का 6। उसी प्रकार 2 के साथ हो गया 3 के साथ, तो 3 का 2 के साथ होगा, फिर 3 का 3 के साथ, इसी प्रकार ये जाएगा 3 का 6 के साथ तक। अब देखते हैं 4 का, तो 4 का 2 के साथ ये 6 हो जाएगा, तो 4 का 1 के साथ भी 5 होता है, तो 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, ये जाएगा 4 का 6 के साथ। अब उसी प्रकार हम देखते हैं 5, तो 5 का 1 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, ये जाएगा 5 का 6 के साथ। उसी प्रकार लास्ट लिख देते हैं 6 का 1 के साथ, और ये जाएगा 6 का 6 के साथ, तो इसके अंदर का सभी अवयव समुच्चय सी में आएगा। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। अब हमें ये बताना है कि ये जो दिया गया है वो घटना में बताना है, तो सबसे पहले A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का पूरक,
तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो जो ए दिया हुआ है इसका जस्ट उल्टा क्या क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस के अंदर जो भी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, ए माइनस एस निकालेंगे, ठीक है, तो a माइनस एस करेंगे तो क्या होगा, a के अंदर जो भी है वो नहीं आएगा, बाकी जो सैंपल स्पेस में जो बचेगा वो आ जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा युग्म करेंगे जो इसके अलावा हो, वो सब a डैश के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा ना, वो जितना भी एलिमेंट b में है वो सब आएगा, ठीक है, तो मैं इसको बराबर b लिख सकता हूं। तो a माइनस जब s करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जितना भी एलिमेंट b में आ रहे हैं वो a डैश के लिए आ जाएगा, तो ये सब एलिमेंट सब अवयव आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ये तो हो गया ए डैश के लिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या ज्ञात करना, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, बी नहीं, बी नहीं मतलब क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का पूरक, तो बी का पूरक क्या हो जाएगा, बी डैश। अब देखिए ए डैश का बराबर बी है, उसी प्रकार बी डैश का बराबर क्या होगा, ए, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या पूछा गया, ए या बी, इसका मतलब ए या का मतलब क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं, और या का मतलब, या में क्या होता है, यूनियन, या में क्या होता है, यूनियन यानी कि सम्मिलन, तो ए सम्मिलन बी हमें ज्ञात करना है, तो ए और बी का जितना भी अवयव हो उसको एक साथ लिख देना है, तो ए और बी ये दोनों में जितना भी अवयव है सबको लिख देना है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि ए और बी में ऐसा कोई सा भी अवयव नहीं है जो रिपीट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, तो ए से लेकर बी तक ये जितना भी अवयव है वो सब आ जाएगा ये तीसरे के उत्तर पे, ठीक है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूं, क्योंकि देखिए ये सभी एलिमेंट्स आ गया, तो सभी एलिमेंट्स क्या होगा, ये सभी का जब युग्म करेंगे ना तो इतना एलिमेंट्स तो आएगा, ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस वन सैंपल स्पेस टू है, लेकिन एक्चुअली में सैंपल स्पेस होगा क्या, ये सभी का योग, ये सभी का योग यानी कि ए और बी का सम्मिलन मैं ये बोल सकता हूं, तो इसको मैं एस के बराबर भी लिख सकता हूं, यानी ए और बी का सम्मिलन समुच्चय एस के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक चार, देखिए क्या बोला गया, ए और बी, यहां पर और बोला है यानी कि इंटरसेक्शन, तो ए और इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ बी, तो ए और बी में क्या कॉमन आएगा, इसमें से कोई सा भी अवयव नहीं है जो कॉमन हो, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। अब बात है पांचवा, ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी नहीं मतलब क्या होगा, ए माइनस सी निकाल देंगे, इसका मतलब क्या होता है, ओनली ए, तो खाली ए का एलिमेंट लिख देना है जो सी में ना हो, ठीक है, तो ए का सभी एलिमेंट्स लिख देंगे, ध्यान हमें यह रखना होगा कि सी का एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए, तो इसमें पूरा ए का अवयव आ जाएगा। अवयव आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा जो भी सी का एलिमेंट्स है वो ए में नहीं रहना चाहिए, बाकी ए का पूरा एलिमेंट्स लिखना है उसमें। अब देखते हैं छठवां, क्या दिया गया है, बी या सी, या बोला गया है तो बी यूनियन सी, तो बी और सी का सारा एलिमेंट्स लिख देना है, ठीक है, तो यहां बी से लेकर ये सी तक सभी एलिमेंट्स लिख देना है, बस ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होना चाहिए, ठीक है, तो रिपीट नहीं करना है यहां पे, तो ये भी बन जाएगा सातवां। ये बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आएगा, बहुत ज्यादा अवयव आ जाएगा, इसलिए मैं इसको हल नहीं कर रहा हूं, आप पीछे बुक में उत्तर देख के इसको देख सकते हैं, मैं खाली इसको समझा रहा हूं कि कौन कौन सा अवयव आएगा। देखिए सातवां क्या दिया हुआ है, बी और सी, तो बी और सी मतलब क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कॉमन, तो देखिए बी और सी में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है ना उसको लिख देना है, ठीक है, तो बी और सी में जो जो एलिमेंट्स कॉमन आएगा अवयव उसको हमें लिख देना है उसमें। आठवां देखिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें बी डैश और सी डैश निकालना होगा, ठीक है, तो देखिए बी डैश तो मैं निकाल चुका हूं, ए के बराबर है, सी डैश निकालना होगा यानी कि सी का पूरक, तो इसका उल्टा जो भी होगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें बी डैश और सी डैश निकालेंगे, जो भी अवयव आएगा दोनों के बीच, ए बी और ए बी डैश और सी डैश, ये तीनों के बीच जो भी कॉमन आ जाएगा ना वो अवयव इसके अंदर आ जाएगा,
तो इसमें हो जाएगा उसका उत्तर। तो इस प्रकार से बनेगा ये प्रश्न। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7, देखिए क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में सत्य या असत्य बताइए। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 हमें यह बताना है कि सत्य है कि असत्य जो दिया गया कथन है। प्रश्न क्रमांक 6 को देखकर देखिए पहला क्या दिया हुआ है, ए और बी परस्पर अपवर्जी है। देखिए ए और बी यानी कि ये दोनों सेट को परस्पर अपवर्जी है कि नहीं ये पूछा गया, ठीक है। देखिए क्या होगा परस्पर अपवर्जी, मतलब दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूं तो फाई आना चाहिए, इसका मतलब कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो यही स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, यानी कि सत्य दिया हुआ है ये कथन कि परस्पर अपवर्जी है, कि परस्पर अपवर्जी है। अब देखिए दूसरा, ए और बी परस्पर अपवर्जी और निःशेष है। तो ए और बी परस्पर अपवर्जी तो है अभी बता चुका हूं और निःशेष है, यानी कि दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये सैंपल स्पेस बनाएगा, बिल्कुल सही है ये, तो ये भी सत्य हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देखिए ए और बी का कंबाइन किया, यूनियन किया तो सैंपल स्पेस बना रहे, और ए और बी का जब इंटरसेक्शन किया, सर्वनिष्ठ किया तो क्या है फाई बना रहे, तो दोनों कथन सत्य है। अब देखते तीसरा क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू b डैश। देखिए ये हम लिख चुके हैं a इक्वल टू b डैश, तो यही कथन तो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। अब देखते हैं चौथा क्या दिया, a और c परस्पर अपवर्जी है। a और c, तो a और c ये दोनों आपस में परस्पर अपवर्जी है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा अव्यय आएगा जो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ही एग्जाम्पल देख लेता हूं, 4,6 कॉमन आ गया, मतलब ये परस्पर अपवर्जी तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा असत्य। अब देख लेते हैं पांचवा क्या दिया, ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी है। तो ए और बी डैश बोला है, तो ए और बी डैश मतलब क्या होगा, खुद ही ए, क्योंकि देखिए बी डैश बराबर है, तो ए और ए में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा। अगर ए का ए के साथ ही कंपेयर करूंगा तो सभी एलिमेंट्स कॉमन आएगा, सभी एलिमेंट्स कॉमन आ गया, मतलब रिक्त समुच्चय तो आया नहीं, और परस्पर अपवर्जी के लिए हमें रिक्त समुच्चय जरूरी रहता है, तो ये कथन जो दिया हुआ है वो असत्य है। अब देख लेते हैं छठवा क्या दिया हुआ है, ए डैश बी डैश और सी परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं हैं। तो देखिये ए डैश और बी डैश, तो ए डैश मतलब कि बी और बी डैश मतलब कि ए, हम यहां पे अभी देख चुके हैं। तो ये दोनों और क्या बोला गया है, सी को, ये मतलब ये तीनों सीरीज को बोला गया है, ठीक है, तीनों समुच्चय को बोला गया है, सॉरी, ठीक है, तीनों समुच्चय अपवर्जी है और निशेष घटनाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो अपवर्जी नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, तो ये भी असत्य कथन होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। थैंक यू।